नमस्कार। वीकेंड लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मनेका गांधी के जजमेंट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। मनेका गांधी जजमेंट पे एनालिसिस करें इस पूरे लेक्चर में आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले ड्यू प्रोसेस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ड्यू प्रोसेस को लेकर क्या विवाद हुआ, प्रॉपर्टी के केस में राइट टू प्रॉपर्टी में किस तरह से ड्यू प्रोसेस को हटाया गया, और जब बात आई लाइफ लिबर्टी के फंडामेंटल राइट की तो जहां शुरुआत फेवर कर रही थी ड्यू प्रोसेस को, कैसे बीएन राव जी ने और नेहरू ने चेंज कराया ड्यू प्रोसेस को प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ से। इसके बाद बात उठेगी कि सबसे पहला मुकदमा जो ए के गोपालन का आया 1950 में, ए के गोपालन साहब में एक बिल्कुल एनालिटिकल स्कूल देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के रूप में, जिन्होंने थ्योरी लगाई ऑस्टिन की, लॉ क्या है, कमांड ऑफ सावरेन है, और जो लॉ ने कह दिया, जो लेजिस्लेचर ने कह दिया, वो सिर माथे पर लगा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहां भी फजल अली ने न्याय की एक रेखा खींचने की कोशिश की, एक लकीर दिखाने की कोशिश की कि उम्मीद अभी बाकी है, अभी उम्मीद है। इसके बाद 1967 की बात आएगी जहां सतवंत सिंह का केस आएगा। सतवंत सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर बेस के रूप में कहें तो कुछ ज्यादा अच्छी थ्योरी प्रोपाउंड नहीं की, लेकिन वहां लिबर्टी की एक अलग डिफिनेशन दी गई और सरकार के किए कारनामे को कैंसिल किया गया, क्वैश किया गया। यह बात अलग है कि सरकार ने वो कारनामा ही बिना लॉ के किया था। 1977 में मिसेज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हटा दी जाती है। 1976 में उन्होंने भयानक काम किया था इंटरनल इमरजेंसी लगाने का, डेमोक्रेसी को किल करने का, जनता ने उन्हें सरकार से बेदखल किया, और जब जैसे ही ये लोग सरकार से बेदखल हो जाते हैं तो ये तमाम तरीके की कोशिश शुरू कर देते हैं सरकार में वापस आने की। ऐसा ही प्रयास मनेका जी ने भी किया था। मनेका गांधी एक अखबार, एक न्यूज मैगजीन चलाया करती थी सूर्या नाम का, उसमें कुछ उन्होंने पब्लिश किए थे चीजें, उसको डिस्कस करेंगे, और उनका पासपोर्ट जमा करने का इशू किया गया था ऑर्डर जनता गवर्नमेंट के द्वारा। जब मनेका जी ने पूछा किस आधार पर, सरकार ने बताया पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बता सकते। मेनका पहुंची सुप्रीम कोर्ट, मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई थी पासपोर्ट को लेकर के। इस पासपोर्ट जब्त करने पर मेनका गांधी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन भारत की जनता यह मुकदमा जीत गई, और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के बहाने कहीं ना कहीं सारे लेजिस्लेचर्स को आर्टिकल 14, 19 और 21 के गोल्डन ट्रायंगल से परिचित कराया। इसके पीछे एक और भी कारण था कि इंटरनल इमरजेंसी जब लगी, जब देश के नागरिकों के मूल अधिकार सस्पेंड किए गए, तो नागरिकों ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में वहां अपना पल्ला झाड़ लिया। उस समय जनता की स्थिति कुछ ऐसी ही थी कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और अपनी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। और इस मुकदमे में सिर्फ एक न्यायाधीश जस्टिस एच आर खन्ना सर ने एक उम्मीद की किरण दिखाई और जनता को यह विश्वास दिलाया कि क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, और मंजर बदल गया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और इस फैसले में मनेका गांधी के गोल्डन ट्रायंगल की बात की गई। कहा गया कि हम फंडामेंटल राइट को होलिस्टिक तरीके से पढ़ेंगे। इस जजमेंट में जस्टिस भगवती का जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। जस्टिस भगवती ने आर्टिकल 14 की एक अद्भुत विस्तृत विवेचना की है, रीजनेबलनेस को लेकर के, आर्बिटरनेस को लेकर के, और क्या होता है ड्यू प्रोसेस, किस तरीके से रीजनेबिलिटी आती है, इन सारी चीजों को डिस्कस किया जस्टिस भगवती ने। हां, यह बात अलग है कि जस्टिस भगवती ने जितने वाइडर पेरिफेरी पर इन चीजों को डिस्कस किया था, बाद में तीन जजमेंट्स में, रमन्ना शेट्टी के मुकदमे में, कस्तूरी लाल रलियाराम के केस में, और फाइनली अजय हासिया के केस में,
जस्टिस भगवती ने अपने डायमेंशन को थोड़े लिमिट में ले आए और वहां पर अब उन्होंने इक्वालिटी को फिर से डिफाइन किया। मेनका गांधी के जजमेंट में जस्टिस भगवती एक नई थ्योरी प्रपाउंड करते नजर आएंगे और वो थ्योरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रूडिंग ऑम्निप्रेजेंस की। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रूडिंग ऑम्निप्रेजेंस, इस पर भी बात करेंगे, किस मुकदमे से ओरिजिनेट हुई थी और किस मुकदमे में इसको ओवर रूल कर दिया गया था, और मेनका गांधी के जजमेंट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने पीछे मुड़ के देखा या सुप्रीम कोर्ट चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स होकर के सामने दिखाई देती है। शुरू करते हैं मेनका गांधी की एनालिसिस। सबसे पहले मेनका गांधी को या एके गोपालन के केसेस को हम देखें तो वहां जो सबसे मुख्य विवादित बिंदु है वो है ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस जिसे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 4 और 14 के जरिए एस्टैब्लिश किया गया। क्या कहता है फोर्थ अमेंडमेंट, क्या कहता है 14th अमेंडमेंट, इसे देखते हैं। अकॉर्डिंग फोर्थ अमेंडमेंट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर अमेंडमेंट नंबर 4 को देखें तो अमेंडमेंट नंबर 4 तीन चीजों की गारंटी देता है, लाइफ, लिबर्टी और साथ में प्रॉपर्टी, और सीधे सीधे कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव। जब शैल शब्द का इस्तेमाल है तो निश्चित है ड्यूटी बन गई लेजिस्लेचर की, और अगर वायलेशन हुआ तो कोर्ट्स खड़ी हैं। ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहां पर वर्ड सीधा यूज किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फोर्थ अमेंडमेंट। 14th अमेंडमेंट आता है और 14th अमेंडमेंट के जरिए इस लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में एक और लाइन जोड़ दी जाती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 14th अमेंडमेंट कहता है नो स्टेट शैल डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉर सच स्टेट शैल डिनाई एनी पर्सन विथ इन इट्स ज्यूरिडिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो हमारे यहां आर्टिकल 14 में कहा गया वो इसे 14th अमेंडमेंट के जरिए ले आए, लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को किए बिना आप इनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अमेरिका में जिस ड्यू प्रोसेस क्लॉज की बात की गई फोर्थ और 14th अमेंडमेंट में, 1900 से लेकर जब 1937 तक को आप देखेंगे अमेरिकन कोर्ट्स के मूवमेंट को, तो बहुत सारे फेडरल लेजिस्लेशन, बहुत सारे स्टेट के लेजिस्लेशन क्वैश कर दिए गए, उड़ा दिए गए ड्यू प्रोसेस ग्राउंड के ऊपर। अमेरिकन कोर्ट्स ने ड्यू प्रोसेस को सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस के रूप में पढ़ा और उन्होंने ये देखा, उनका यह मानना रहा कि ड्यू प्रोसेस का मतलब वी हैव द कैपेसिटी एंड पावर टू चेक द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, टू चेक द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर मींस आखिर इस लेजिस्लेशन को पास करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन की रीजनेबिलिटी को भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसा अमेरिकन कोर्ट ने माना। 1937 में एक वहां कॉन्स्टिट्यूशन रिवोल्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन रिवोल्यूशन होने के बाद अमेरिकन कोर्ट्स ने जितने भी सोशल लेजिस्लेशन हुए, जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लेजिस्लेशन हुए, इन दोनों सोशल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेजिस्लेशन में ड्यू प्रोसेस के ग्राउंड पर चैलेंज एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये समझ गए कि इस ड्यू प्रोसेस का सहारा लेकर के जो लेजिस्लेशन क्वैश की गई है 1930 से लेकर 37 में, उसमें उस कंट्री के खुद का डेवलपमेंट डिट्रीमेंटल तरीके से अफेक्टेड हो रहा। तो 1937 के बाद वहां सोशल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेजिस्लेशन में ड्यू प्रोसेस को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं किया गया। एक केस आती है अमेरिका के अंदर, जस्टिस ब्लैक आते हैं इस केस में, और केस का नाम है फर्ग्यूसन वर्सेस स्क्रूपा। फर्ग्यूसन वर्सेस स्क्रूपा के केस में जस्टिस ब्लैक ने
कुछ चीजें निर्धारित की। क्या केस थी? केस का नाम है फर्ग्यूसन वर्सेस स्क्रूपा। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रूपा जस्टिस ब्लैक, ये उनका नाम है। जस्टिस ब्लैक ने कहा, वी रिफ्यूज टू सिट एज अ सुपर लेजिस्लेचर टू वे द विजडम ऑफ लेजिस्लेशन। हम सुपर लेजिस्लेचर नहीं बनना चाहते, हम लेजिस्लेटर के विजडम को चेक करने का इंटेंशन नहीं रखते हैं। आज के दिन अगर देखा जाए क्या स्थिति है ड्यू प्रोसेस की अमेरिका में, तो अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेंगे, अगर सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे, तो वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बिल्कुल डेड लेटर वर्ड है। लेकिन अगर लाइफ लिबर्टी की बात उठेगी, अगर लाइफ लिबर्टी के प्रोटेक्शन की बात उठेगी, तो वो आज भी उतना ही एक्टिव है जितना इंसेप्शन में था। तो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ये पोजीशन है। अब आते हैं कि आखिर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में क्या हुआ। तो भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस क्लॉज को रखना है या नहीं रखना है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। और इस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद यहां पर दो घड़े नजर आते हैं जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ेंगे। एक तरफ के एम मुंशी साहब नजर आएंगे, मुंशी जी को जब आप देखेंगे तो इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी पर तो ड्यू प्रोसेस का विरोध किया, इन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब लाइफ लिबर्टी की बात आई तो इन्होंने ड्यू प्रोसेस का सपोर्ट किया कि विधायिका के हाथ में अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए, विधायिका को लेजिस्लेचर को कंट्रोल में रखने के लिए। लाइफ लिबर्टी के जब आर्टिकल बनने की बात आई तो के एम मुंशी साहब का कहना था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कौन थे? दूसरी ओर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा पद इनको दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की भूमिका निभा रहे थे बी एन राव साहब। और इनके साथ दे रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका तो चलिए समझ में आता है कि ये किसी को भी राइट्स देने के मूड में कभी नहीं थे। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी जब आप पढ़ेंगे तो डीपीएसपी पे इतना जोर इसलिए दिया था, डीपीएसपी वाले पर भी इनको ऑब्जेक्शन थी शुरू में, जिनका जवाब बाद में जाकर के अंबेडकर साहब ने इनको दिया। तो अगर बी एन राव और नेहरू को आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये लोग थे जिन्होंने असली गेम किया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को साइड करने के लिए। और बी एन राव साहब ने अपना ऑब्जेक्शन इस बात पे रखा था कि अगर आप 1930 से 1937 तक अमेरिकन कोर्ट्स के मूवमेंट को देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने मुकदमे उस समय अमेरिकन कोर्ट्स में आए उसके 40% केसेस केवल और केवल ड्यू प्रोसेस को लेकर थे। राव साहब ने यह भी कहा कि अमेरिकन कोर्ट्स में बैठे हुए जज, या हमारे यहां अगर ऐसा हम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठने वाले जज, ये जनता से चुनकर नहीं आते, इन्हें जनता की एस्पिरेशंस का कुछ पता नहीं होगा, इनके हाथ में एक अनकंट्रोल पावर चला जाएगा। लेकिन ये साहब बी एन राव साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर भी थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा सच कभी नहीं बताया। पूरा सच क्या था? पूरा सच ये था कि 1937 के बाद अमेरिकन कोर्ट्स ने भी सोशल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेजिस्लेशन में ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल बंद कर दिया था। अब इस बात को इन्होंने जानबूझकर नहीं बताया या ये भूल गए, वैसे इतनी बड़ी हस्ती से भूल होना इम्पॉसिबल है, और क्या ये इनका न बताना डिसिट की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, इसका निर्धारण आप करें। सबसे पहले
बात आती है हमारे यहां राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर ड्यू प्रोसेस पर क्या कहा गया? तो जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तब वहां पर केएम मुंशी साहब भी राइट टू प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तब वहां मुंशी सर भी सपोर्ट कर जाते हैं बाकी लोगों का और कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी के केस में ड्यू प्रोसेस नहीं होना चाहिए। मतलब 19(1)(g) जी में जो फंडामेंटल राइट दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसके एक्विजिशन को आर्टिकल 31 में बताया गया कि कंपनसेशन देना होगा, तो मुंशी सर का यह था कि यह कंपनसेशन एडुकेट है या नहीं इस ग्राउंड पर, या मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के ग्राउंड पर या दूसरे किसी ग्राउंड पर इसे जस्टिफिएबल नहीं बनाना चाहिए, इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। वैसा प्रयास भी किया गया, 25th अमेंडमेंट में भी किया गया, 4th अमेंडमेंट के जरिए भी किया गया, लेकिन कोर्ट्स ने भी, चाहे वो शंकरी प्रसाद की केस रही हो चाहे सज्जन सिंह की केस रही हो, वहां पर बार बार चैलेंज एक्सेप्ट किए और ये झगड़ा चलता रहा अप टू 44th अमेंडमेंट 1978 तक, जिसमें एक ही अटेम्प्ट में 19(1)(g) और 31 ऑर्डर सॉरी आर्टिकल नंबर 31 दोनों को हटाते हुए आर्टिकल 300A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी के बाद जब बात आती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ड्यू प्रोसेस को रखने की जब चर्चा शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत में, ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में ड्यू प्रोसेस रहना चाहिए। यहां ड्यू प्रोसेस वही क्लॉज इस्तेमाल होना चाहिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 4th और 14th अमेंडमेंट में किया गया है। केएम मुंशी साहब यहां सपोर्ट कर रहे थे ड्यू प्रोसेस को। विरोध में कौन थे? विरोध में थे बीएन राव सर। इनका मुख्य विरोध क्या था? इनका मुख्य विरोध इस बात का था कि अगर हम ड्यू प्रोसेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि जनता से चुन करके नहीं आने वाले जजेस के हाथ में एक अनकंट्रोल पावर चला जाएगा, और वो किसको चेक करेंगे? वो हम लेजिस्लेचर जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। मतलब बी एन राव साहब का कहना था कि वो सुप्रीम हैं इस देश में, जो भी लेजिस्लेचर हैं वो सुप्रीम माने जाने चाहिए, और जिन्हें जनता चुनकर भेजती है उनके कारनामों को, उनके किए कार्यों को चेक करने का अधिकार जनता को 5 साल बाद मिलेगा, उस बीच में हमें फुल फ्रीडम होनी चाहिए काम करने की। दूसरी ओर इन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है फिलिप फ्रैंकफर्टर से। ये साहब कौन है भाई? फ्रैंकफर्टर कौन है? फ्रैंकफर्टर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे। इन्होंने कहा, बीएन राव सर ने कहा कि आई मेट विथ फिलिप फ्रैंकफर्टर एंड ही स्टेट दैट, फ्रैंकफर्टर का यह कहना था कि बाय द वर्डिक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस द जजेस बिहेव एज द सुपर लेजिस्लेचर। जजेस जो है वो सुपर लेजिस्लेचर के रूप में काम करने लगते हैं, और वहीं दूसरी ओर जजेस के ऊपर वर्कलोड भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि यहां पर ज्यादा बेहतर है कि हम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 31 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जहां वर्ड दिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन लॉ के विद्यार्थी के रूप में एक प्रश्न दिमाग में बार बार उठता है कि क्या एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, उसने बीएन राव साहब को यह न बताया होगा कि 1937 के बाद
ड्यू प्रोसेस फ्रेज का इस्तेमाल अमेरिकन कोर्ट्स ने एक बहुत लिमिटेड मात्रा में किया है, केवल लाइफ लिबर्टी के फंडामेंटल राइट्स के लिए। और एक जस्टिस जिसके अपने देश में लाइफ लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए ड्यू प्रोसेस का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो किसी दूसरे देश के बनने वाले संविधान में इस बात का अपोजिशन करेगा? ऐसा आप समझते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन बी एन राव साहब ने, और इनका साथ दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू साहब का यह कहना था कि उन्हें लॉ के एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि अगर ड्यू प्रोसेस को जगह दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक और सोशल लेजिस्लेशन फेल हो जाएंगे, दूसरी ओर कुछ लोग जो कि समाज में हैं, जिनसे समाज को खतरा होगा, उन्हें डिटेंशन करना बहुत जरूरी होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना जरूरी होता है, उनको रख पाना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से भी लाइफ लिबर्टी वाले क्लॉज में भी नहीं आना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्राफ्टिंग कमेटी में डिबेट हुई और फिर क्लोज वोटिंग कराई गई, और क्लोज वोटिंग कराने पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैंसिल हो गया और उसकी जगह आया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 31, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को जगह मिली। लेकिन जो सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी शंकाएं अभी भी बनी हुई थी, तो उनके शंका को समाधान करने के लिए, एक तरह से उनको सेटिस्फाई करने के लिए, एक और आर्टिकल बनाई गई और उस आर्टिकल का नाम दिया गया आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 को एडॉप्ट किया गया, जो गारंटीड करता है सेफ गार्ड्स इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन के केस में सेफ गार्ड्स को डिस्कस करता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 को जब एडॉप्ट किया गया, तब सामने आते हैं अंबेडकर सर जी, बी आर अंबेडकर। अंबेडकर सर ने यह माना, जब आप इनके फ्रेज को पढ़ेंगे तो इन्होंने यह माना आर्टिकल 22 के बाद कि जो नुकसान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण भारत के संविधान को हुआ, वो बहुत हद तक कंपनसेट कर दिया गया आर्टिकल 22 को एडॉप्ट करने के कारण। एक तरह से अंबेडकर साहब ने इज्जत बचाने की कोशिश की बी एन राव सर की और साथ में नेहरू साहब की। उन्होंने ये माना कि नुकसान हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर शुरुआत में ही लिख दिया गया होता तो 28 साल ये विवाद जो चले ये ना चलते। लेकिन लास्ट में उन्होंने आर्टिकल 22 को 21 के साथ देखा और कहा कि जो नुकसान नॉन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कारण हुआ, दैट विल बी कंपनसेटेड अप टू ए मार्क बाय इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल नंबर 22। ये रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को चला हुआ डिबेट। 1951 में ही पहला मुकदमा आ जाता है आर्टिकल 21 को लेकर के, और केस का नाम रहता है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जब भी आप किसी मुकदमे को देखिए, जब भी आप किसी केस को पढ़िए, तो एक प्रश्न खुद से रखिए कि आखिर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आया, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या था, क्यों वो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक आया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जनरली लॉ के स्टूडेंट के रूप में हम ये देखते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट, हम ये पढ़ते हैं, हम ये लिखते हैं अपने आंसर बुक में। लेकिन परेशानी क्या होती है कि जब हम ये केवल हेल्ड और ओपाइन करते रहते हैं तो भूल जाते हैं केस के नाम, कभी कभी केस की साइटेशन, और कभी कभी केस के कंटेंट भी।
तो इसलिए अगर ये सारी चीजें आप याद रखना चाहें तो सबसे बेहतर है कि 2 मिनट लगेगा ये समझने के लिए कि आखिर वो बंदा जो कि कोर्ट में आया, कोई भी हो, उसके साथ हुआ क्या था, क्यों उसे जरूरत पड़ी कि उसने सुप्रीम कोर्ट को नॉक किया। तो एके गोपालन को देखते हैं कि आखिर कौन थे एके गोपालन। एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एके गोपालन साहब एक सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर, थे, साथ ही में ये फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन हुए पार्लियामेंट में। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन हुए पार्लियामेंट के अंदर, और इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में डिटेन कर लिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, अपोजिशन लीडर वो भी फर्स्ट, और उसे डिटेन किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ऑर्डर मद्रास स्टेट की ओर से इशू हुआ था, इसे चैलेंज किया गोपालन सर ने, और चैलेंज के जो ग्राउंड बनाए वो ग्राउंड थे, चैलेंज किया गया था आर्टिकल 13, 19, 21, 22 के ग्राउंड पर। इन्होंने कहा कि प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ में ऑल्सो इंक्लूड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और नंबर थर्ड, ऑल फंडामेंटल राइट्स शैल बी रीड एक्यूमुलेटली। मींस अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं किसी एक फंडामेंटल राइट में दिए राइट पर, तो आपको बाकी राइट्स के साथ जो ग्राउंड दिए गए हैं उन पर भी जस्टिफाई करना होगा। 1950 में इस मुकदमे का निपटारा हुआ, 19 मई 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ ही समय बीता था, सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला आर्टिकल 21 में लॉ वर्ड को डिफाइन करने का, मौका मिला प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फ्रेज को डिफाइन करने का। यहां पर बहुत ही पॉजिटिविस्टिक जजमेंट दिया गया। जजमेंट देने वाले जो मेन न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस कानिया, जस्टिस मुखर्जी और जस्टिस दास, पतंजलि शास्त्री साहब भी थे, उन्होंने एक दूसरा ग्राउंड रखा था। और डिसेंटिंग ओपिनियन रखी फजल अली सर ने। चीफ जस्टिस कानिया, जस्टिस मुखर्जी और जस्टिस दास ने कहा कि प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ का मतलब है एनी प्रोसीजर प्रेस्क्राइब बाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल ऑस्टिन की थ्योरी, लॉ इज ए कमांड ऑफ सावरेन, सावरेन जो कह दिया वो फाइनल। और यहां इन तीन लोगों ने कहा कि अगर स्टेट ने लॉ बना दिया, अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, लॉ पास कर दिया गया, तो उसके जरिए कंट्रोल किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को। नंबर सेकेंड, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब 14 का राइट अलग है, 19 का राइट अलग है, 20 का राइट अलग है, 21 का राइट बिल्कुल अलग है, 22 का राइट बिल्कुल अलग है, हम साथ में इंबडीड करके नेक्सस बना के नहीं पढ़ेंगे। और प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शामिल नहीं होता, दोनों अलग अलग चीजें।
जजमेंट को देते समय जस्टिस कानिया मुखर्जी और दास जी ने अगर एक बार बी आर अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कहा था उसको कोट कर दिया होता तो शायद इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की दशा और दिशा बदल गई होती 1950 में, क्योंकि अंबेडकर सर ने साफ साफ आगाह किया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं रखने से जो नुकसान हुआ है, जो इरिपेरेबल लॉस हो रहा है, उसको एक अप टू द ग्रेटर एक्सटेंट पूरा करने का काम आर्टिकल 22 ने किया है। तो इसका मतलब अंबेडकर सर भी आर्टिकल 21 के साथ 22 को मिला के पढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन विद्वान न्यायाधीशों ने यह काम नहीं किया। पतंजलि शास्त्री जी ने भी बहुमत का साथ दिया, लेकिन उन्होंने ग्राउंड दूसरे रखे। उन्होंने कहा कि जो लॉ वर्ड हम यूज करते हैं आर्टिकल 21 में, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यहां जो लॉ वर्ड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये लॉ जस्ट नेचुरली नहीं है। अब जस्ट नेचुरली का कॉन्सेप्ट आपको नेचुरल लॉ स्कूल में देखने को मिलेगा, जिसे हम एक तरह से लेक्स डिवाइन कहते हैं। और कोई भी लॉ अगर लेक्स डिवाइन के अगेंस्ट में होगा तो उसे वॉइड करार दे दिया जाएगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो लागू नहीं हो सकता। तो पतंजलि शास्त्री जी ने कहा कि यहां जो लॉ वर्ड है वो लेक्स नेचुरली नहीं है। विधायिका ने अगर कानून बना दिया है, प्रेस्क्राइब तरीके से बना दिया है, वो पर्याप्त है फंडामेंटल राइट्स को चेक करने के लिए। हाँ, इन्होंने एक बात जरूर कही कि द प्रोसेस मस्ट बी ए वेल सेट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होना चाहिए वो सेट क्रिमिनल प्रोसीजर होना चाहिए। इस केस में उम्मीद की एक किरण जगाई फजल अली सर ने डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए, और फजल अली सर ने कहा कि विश्व की जितनी भी डेवलप्ड जुडिशियल सिस्टम हैं, वहां के प्रोसेस में ये चार चीजें नेसेसरी हैं। चार चीजों के बिना कोई भी जुडिशियल सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता, और मेरा मानना है कि जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया जाए उसमें ये चारों चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली चीज उन्होंने कही कि नोटिस होनी चाहिए। जिस आदमी के फंडामेंटल राइट्स को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन से ग्राउंड पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसको उसको नोटिस होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, चांस ऑफ हियरिंग उसको मिलनी चाहिए, उसको सुनवाई का चांस दीजिए। तीसरी बात उन्होंने कही, इम्पार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए, इम्पार्शियल जुडिकेचर होना चाहिए। और चौथी चीज कही, वेल सेटल प्रोसीजर होना चाहिए। तो फजल अली सर ने एके गोपालन के केस में एक तरह से देखिएगा इन्हीं ग्राउंड्स को आगे चलकर इलोबरेट किया मनेका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद। यहां डिसेंटिंग ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जब आप पढ़ें तो सिर्फ बहुमत ने जो कहा उसी पर ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे जजमेंट्स में माइनॉरिटी डिसेंटिंग ओपिनियन आगे चलकर बहुमत का फैसला बनी है। आपने जस्टिस मुधोलकर को देखा पिछले लेक्चर में, कि जस्टिस मुधोलकर ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के सीट्स लगा दिए थे और वो पेड़ निकल के आया 1973 में। यहां आप कह सकते हैं कि जब आप फजल अली को पढ़ेंगे एके गोपालन के केस में, तो ये चार चीजें हैं। अगर आप नोटिस देते हैं उस आदमी को, नोटिस देंगे तो क्या होगा, ग्राउंड बताने पड़ेंगे, और जब ग्राउंड बताएंगे तो उस ग्राउंड की जस्टिफिकेशन भी आपको देनी पड़ेगी। जब उस आदमी को चांस ऑफ हियरिंग देंगे, तो जब हियरिंग का मैटर आ जाएगा तो फिर उसके प्रॉस एंड कॉन भी डिस्कस करने होंगे। इम्पार्शियल अगर जुडिकेचर बैठा हुआ है और वेल सेटल्ड प्रोसेस अगर प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत हद तक फजल अली सर ने ड्यू प्रोसेस के जो एसेंशियल चीजें हैं, भाई ड्यू प्रोसेस क्या, सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस का मतलब कि कोर्ट के पास ये पावर होती है, वो चेक कर सकते हैं लेजिस्लेचर के इंटेंट को, उसकी रीजनेबिलिटी को, उस लॉ को पास करने में, उस ऑर्डर को देने में।
आर्टिकल 21 में एक तरह से इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस को तो आपने लगभग थोड़ी सी जगह दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ करके, लेकिन सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस को आपने हटा दिया। उस ओर इशारा कर रहे थे जस्टिस फजल अली सर। अब 1950 के इस केस के बाद आते हैं एक दूसरे और चमत्कारिक मुकदमे में, जहां सरकार ने ऐसे ऑर्डर दे दिए थे जो कानून में थे ही नहीं। जी बात कर रहा हूं सतवंत सिंह केस की, सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1967 सुप्रीम कोर्ट। सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1967 सुप्रीम कोर्ट। फिर वही बात, सतवंत सिंह जी कौन थे? सतवंत सिंह ऑटोमोबाइल पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर थे। इनका बिजनेस ही ऑटोमोबाइल पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का, इंपोर्ट करने का और एक्सपोर्ट करने का, और इस सिलसिले में ये हमेशा ही देश के भीतर और देश के बाहर ट्रेवल करते रहते थे। उस समय पासपोर्ट जो इशू किए जाते थे उनको गवर्न करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बना था उस लॉ का नाम था पासपोर्ट एक्ट 1920। सतवंत सिंह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक ऑर्डर मिलता है कि आप अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए। क्यों? तो बताया गया कि आपके ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जो कुछ केसेस चल रही हैं, हमें लगता है कि आप देश छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए आप अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए। अब ये एक्सपोर्टर आदमी थे, इनको ट्रेवल करना, अब्रॉड ट्रेवल करना इनकी मजबूरी भी थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ग्राउंड लगभग बराबर थे एके गोपालन की तरह। पहली चीज इन्होंने कहा ड्यू प्रोसेस के ऊपर, दूसरी बात फंडामेंटल राइट्स को होलिस्टिक तरीके से पढ़ा जाए, होलिस्टिक रीड किया जाए, और तीसरी बात इन्होंने लिबर्टी वर्ड को, लिबर्टी वर्ड में पासपोर्ट के राइट को भी शामिल माना। अब जरा बात कर लेते हैं 1920 के एक्ट की। गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर इशू किया पासपोर्ट एक्ट 1920 पर बेस करके, लेकिन जब आप 1920 के एक्ट में जाएंगे तो वहां पासपोर्ट सरेंडर करने को लेकर के कोई भी क्लॉज बनाया ही नहीं गया था। मतलब कोई प्रोसेस था ही नहीं, कोई प्रोसीजर था ही नहीं जिस पर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट सरेंडर कराया जा सके। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने होलिस्टिक रीड वाले ग्राउंड को तो नहीं माना, ड्यू प्रोसेस के भी ग्राउंड को नहीं माना, लेकिन सरकार के ऑर्डर को क्वैश कर दिया, क्वैश गवर्नमेंट ऑर्डर, और लिबर्टी वर्ल्ड को एक नया डायमेंशन दिया कि राइट टू पासपोर्ट इज ऑल्सो एम्बडीड इन द राइट ऑफ लिबर्टी। जब हम लिबर्टी बात करते हैं तो उसमें राइट टू पासपोर्ट भी शामिल होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर इसलिए नहीं किया था कि वो गोल्डन इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, इसलिए किया था कि 1920 में कोई ग्राउंड ही नहीं था, कोई प्रोसेस ही नहीं बताया गया था। तो प्रोसेस था नहीं और गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर इश्यू कर दिए थे, तो इसलिए सतवंत सिंह के केस में यह कहा गया कि गवर्नमेंट का ऑर्डर क्वैश किया जाता है। अब इसके बाद 1975-76 में एक तो इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण जी का फैसला आता है। इस फैसले में वैसे ही इंदिरा गांधी की इज्जत का फालूदा हो गया था। इसके बाद एक और उन्होंने गलत अटेम्प्ट किया डेमोक्रेसी को किल करने का, और वो किया इंटरनल इमरजेंसी लगाकर। इंटरनल इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा जी को सत्ता से बाहर का रास्ता जनता ने दिखा दिया।
और जब ये पार्टी सत्ता के बाहर जाती है तो पता नहीं क्यों बहुत हद तक थोड़े एक विक्षिप्त से हो जाते हैं सत्ता में वापसी करने के लिए। तो 1976-77 में मनेका गांधी जी एक पॉलिटिकल मैगजीन चलाती थी और उस पॉलिटिकल मैगजीन का नाम है सूर्या। इस पॉलिटिकल मैगजीन को वो चलाती थी, इसकी वो फाउंडिंग एडिटर रही, इसकी वो फाउंडिंग मेंबर एडिटर रही या फाउंडर एडिटर रही। और सूर्या का इस्तेमाल उन्होंने कांग्रेस की जो जमीन खिसक गई थी 1977 के इलेक्शन में उसको फिर से वापस लाने का प्रयास करने के लिए किया। क्रिटिसाइज किया जा रहा था लगातार इनके अंक में मोरारजी गवर्नमेंट के लोगों को, और एक अंक में तो उस समय के रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी के बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक गर्ल स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल सीन की तस्वीरें छापी गई। मतलब सारा चीजों का इस्तेमाल क्यों, ताकि वो जमीन मिल पाए कि हम फिर से वापस सत्ता में काबिज हो सके। इन्हें एक टॉक देने के लिए विदेश जाना था, एक टॉक करने के लिए, एक लेक्चर देने के लिए इन्हें विदेश जाना था। 1967 में सतवंत सिंह केस के बाद गवर्नमेंट ने नया पासपोर्ट एक्ट 1967 पास कर दिया था। अब 1967 का जो नया लॉ था उसके सेक्शन 10(3)C में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इश्यू किया मेनका गांधी को कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। अब इन्होंने कारण पूछा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम पब्लिक ऑर्डर के लिए, हम पब्लिक वेलफेयर में ये नहीं बता सकते कि हमें आपका पासपोर्ट क्यों जब्त करना है। इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, बहुत छोटा सा मुकदमा था, एक लेडी का पासपोर्ट जब्त किया गया, उसे कारण नहीं बताए गए। और सुप्रीम कोर्ट की जब आप जजमेंट को देखेंगे तो यहां पर पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का एक कॉन्सेप्ट निकल गया है। हुआ ये कि जब मेनका गांधी जी ने चैलेंज किया तो कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड हरसेल्फ ए चांस ऑफ हियरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैन ओके, मतलब ये गई थी कि पासपोर्ट इनको दिलाया जाए, उस पर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें चांस ऑफ हियरिंग दे दीजिए, और अटॉर्नी जनरल ने वहां कहा कि हम चांस ऑफ हियरिंग इन्हें दे देंगे, और एक और एश्योरेंस दे दिया कि अगर चांस ऑफ हियरिंग देने के बाद भी अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर पासपोर्ट जब्त करने का रहता है तो वैसा सरेंडर नॉट मोर देन 6 मंथ के लिए होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिला 1976 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में अपनी की हुई गलती को सुधारने का। एडीएम जबलपुर के केस में जब इंटरनल इमरजेंसी लागू की गई और जनता ने दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हमसे आप प्रोटेक्शन की उम्मीद ना करें। उस समय जो जनता थी इस देश की, उसके अंदर सिर्फ यही भावनाएं चल रही होंगी शायद कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और अपनी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। एक तो जिनको वोट दिया, जिनको बहुमत की सरकार दी, उन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया, और दूसरे जिनको संविधान ने जिम्मेदारी दी फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन करने की, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और वहां भी डिसेंटिंग ओपिनियन इंपॉर्टेंट हुई, डिसेंटिंग ओपिनियन थी जस्टिस H.R. खन्ना सर की, और उन्होंने एक उम्मीद दिखाई कि क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेंगे मंजर। और 2 साल के अंदर मंजर बदल गए। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस गलती को सुधारा ही नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर सामने आए मेनका गांधी के केस में। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा
ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सरकार ने जो ये पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को पूरा नहीं किया है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये रीजनेबल भी नहीं है, सारी चीजें उन्होंने कही, लेकिन मेनका गांधी को कोई मदद नहीं की गई। और यहां पर इन्होंने गोल्डन ट्रायंगल बनाया 14, 19 और 20 बनकर। इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच की बात की कि हम फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको 21 के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो 21 में जो शर्त है वो पूरी कीजिए, 19 में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं वो पूरी कीजिए, आर्टिकल 14 में जो बताया गया है उसको पूरा कीजिए। मींस हम अब अलग अलग नहीं चलेंगे, हम अब एक साथ फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने लिबर्टी वर्ड को भी इनलार्ज किया, राइट टू पासपोर्ट को फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी कि जिंदगी जीने का मतलब जानवर की तरह जीना नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ह्यूमन गरिमा के साथ जीने का मतलब आर्टिकल 21 में लाइफ के अंतर्गत आता है। और इसमें विदेश जाने का अधिकार भी, पासपोर्ट रखने का अधिकार भी शामिल है। फिर से ध्यान दिला देता हूं, यहां पर ये सारी चीजें कही गई लेकिन इसमें से कोई भी चीज का फायदा मनेका जी को नहीं मिला। अब इस जजमेंट में जस्टिस भगवती का जो जजमेंट है, जो पैराग्राफ जस्टिस भगवती लिखते हैं, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट के रूप में। और जस्टिस भगवती आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि क्या हमारे अंग्रेजी और हिंदी के साहित्यकार और कवि भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, सजाते होंगे, जिस तरह से जस्टिस भगवती ने आर्टिकल 14 को हाईलाइट किया, इक्वेलिटी को हाईलाइट किया है मनेका गांधी के केस में। वो पैराग्राफ मैं आपके सामने ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूं क्योंकि इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करो या इसकी समरी बताऊं ये कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ के साथ इनजस्टिस करना होगा। देखते हैं कि आखिर जस्टिस भगवती ने, और यहां इस केस में जस्टिस भगवती ने डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रूडिंग ऑमनीप्रेजेंस की भी बात की है, वो भी आ रहा हूं। जस्टिस भगवती कहते हैं, नाउ द क्वेश्चन इमीडिएटली अराइज टू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14, व्हाट इज द कंटेंट एंड रीच ऑफ द ग्रेट इक्वलाइजिंग प्रिंसिपल इनशिएटेड इन दिस आर्टिकल। देयर कैन बी नो डाउट दैट इट इज अ फाउंडिंग फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड्स देखिएगा, इट इज अ फाउंडिंग फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंडीड द पिलर ऑन विच रेस्ट सिक्योरली द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड देयरफॉर इट मस्ट बी सब्जेक्टेड, इट मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू ए नैरो पिडेंटिक एंड लेक्सिकोग्राफिक अप्रोच। मतलब कहते हैं कि इक्वेलिटी जो है वो एक तरीके का हमारा वो पिलर है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हो रहा है, और इसे हम पिडेंटिक, लेक्सिकोग्राफिक और छोटे अप्रोच, नैरो अप्रोच के ऊपर चेक नहीं कर सकते। अब जस्टिस भगवती ने इक्वेलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इक्वेलिटी इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट विथ मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशन, एंड इट कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनल लिमिट्स। In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies. एक तरफ equality, एक तरफ इन्होंने बताई arbitrary किसी भी काम को। He stated that equality belongs to rule of law in republic, while the other means while the arbitrary action relates to the whims and caprice of the ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। ये विम्स और कैप्रीज की बात कर रहा है जब आप आर्बिट्री एक्शन की बात करते हैं। वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्री इट इज इम्प्लिसिट दैट इट इज अनइक्वल अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल लॉजिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 14। अब इस मुकदमे में
जस्टिस भगवती डिस्कस कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, क्या आखिर रीजन के प्रिंसिपल को कैसे लेके आते हैं। जस्टिस भगवती स्टेट्स दैट द थ्योरी ऑफ रीजन विच लीगली एज वेल एज फिलोसॉफिकली इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी और नॉन आर्बिटरनेस परवेड्स आर्टिकल 14 लाइक ए ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस। यहां पर इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया लाइक ए ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस, इसी थ्योरी की बात कर रहा हूं कि आखिर ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस किसे कह रहे हैं। वर्ड इन्होंने यूज किया ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस, ये कॉन्सेप्ट है। एंड द प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 21 मस्ट आंसर द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी इन अंडर टू बी इन कंफर्मिटी विद आर्टिकल नंबर 14। जस्टिस भगवती सर ने मेनका गांधी के जजमेंट में अगर किसी आर्टिकल पर सबसे ज्यादा जोर दिया तो वो आर्टिकल 14 रहे। हाँ, आगे चलकर उन्होंने इसके डायमेंशन को लिमिट्स में बांधा, थोड़ा अपने वो समझ गए कि उन्होंने एक बहुत हाइपर जाकर के उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो रमन्ना शेट्टी के केस में, कस्तूरी लाल के केस में और अजय हासिया के केस में वो उसको वापस अपने लिमिट में ले आए। लेकिन वहां जाएं इसके पहले देखते हैं कि आखिर डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस था क्या। डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस वॉज ओरिजिनेटेड या प्रोपाउंडेड बाई जस्टिस कोक इन केस ऑफ डॉक्टर बोनहम। इन दिस केस जस्टिस कोक प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस। वॉट इज द थ्योरी? द थ्योरी इज व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अगेंस्ट द कॉमन राइट एंड रीजन, व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अगेंस्ट द कॉमन राइट एंड रीजन और देयर इज ए रिपग्नेंसी बिटवीन रीजन एंड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सच एक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। जस्टिस कोक ने डॉक्टर बोनहम के केस में इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया और इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए जस्टिस भगवती मेनका गांधी के केस में। अगर हम इसको सीधा सीधा वहां पढ़ें तो क्या मतलब कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर जो रीजनेबिलिटी के वायलेशन में होगा उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा ऑर्डर। यही है थ्योरी, थ्योरी ऑफ ब्रूडिंग ऑमनी प्रेजेंस की। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर बोनहम के केस में प्रोपाउंड किया गया ये केवल 2 साल ही जिंदा रहा। 2 साल बाद इसे लोन एसोसिएशन, लोन एसोसिएशन वर्सेस ट्रोपिका, वर्सेस ट्रोपिका के केस में ओवर रूल कर दिया गया। डॉक्टर बोनहम के केस में ब्रूडिंग ओमनी प्रेजेंस की बात आई। ब्रूडिंग ओमनी प्रेजेंस का मतलब व्हेन देयर इज एन इनएक्टमेंट विच इज वेयर देयर इज अ रिपग्नेंसी विद अ कॉमन रीजन, देयर इज अ वायलेशन ऑफ कॉमन रीजन and it is impossible to run simultaneously both things, then the act shall be declared unconstitutional or void. वो act क्या होगा? Void declare कर दिया जाएगा। ये concept था brooding omnipresence का, इसको दिया गया Dr. Bonham के केस में, लेकिन ये कुछ ही दिन के लिए था, इसे overrule कर दिया loan association versus Topeka के केस में। अब Justice भगवती ने मेनका गांधी जजमेंट के बाद 3 और जजमेंट में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और धीरे धीरे भगवती सर ने अपने जो डायमेंशन मेनका गांधी में उन्होंने बहुत लार्ज कर दिया था आर्टिकल 14 का, उसको लिमिट दिया। केस के नाम थे, पहली केस थी रमन्ना शेट्टी की, रमन्ना शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी, जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
दूसरी केस थी कस्तूरीलाल रविराम, इस केस को आप अच्छे से जानते होंगे, ये टॉर्ट की काफी लीडिंग केस है वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और तीसरी केस में फाइनली अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, खालिद मुजीब। खालिद मुजीब इस केस में जाकर जस्टिस भगवती सर ने जो लिमिट्स मेनका गांधी में बहुत वाइड की थी उसको थोड़ा एक डायमेंशन में ले आए, थोड़ा सिकोड़ने का काम किया। और जस्टिस भगवती हेल्ड करते हैं वेयर एवर देयर फॉर देयर इज आर्बिटरनेस इन एक्शन ऑफ स्टेट आइदर बाय द लेजिस्लेचर और बाय द एग्जीक्यूटिव और बाय एनी अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 14 इमीडिएटली स्प्रिंग्स इनटू एक्शन एंड स्ट्राइक डाउन द एक्शन, बट इन फैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबिलिटी एंड नॉन आर्बिटरनेस परवेड्स इन द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड इट इज अ गोल्डन थ्रेड विच रन्स थ्रू द होल ऑफ द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली ही ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 14 इज नॉट ओनली सिंगल रिपोजिटरी ऑफ नॉन आर्बिटरनेस एंड रीजनेबिलिटी बट इट इम्बडीज इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन। अजय हासिया के केस में जस्टिस भगवती सर ने यह समझते हुए कि सिर्फ आर्टिकल 14 ही नहीं, रीजनेबिलिटी की जब बात करेंगे, नॉन आर्बिटरनेस की जब बात करेंगे, तो सिर्फ आर्टिकल 14 ही नहीं, सिर्फ 19 ही नहीं, सिर्फ 21 ही नहीं, हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को देखेंगे और हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में यह बात नॉन रीजनेबिलिटी वाली, रीजनेबिलिटी वाली और नॉन आर्बिटरनेस वाली आपको दिखाई देती है। तो इतना विवेचित किया जस्टिस भगवती सर ने रमन्ना शेट्टी के केस में, कस्तूरीलाल और फाइनली अजय हासिया खालिद मुजीब के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के जजमेंट देने के बाद, यह सही है कि जिस तरह गोरखनाथ में गोरखनाथ को कुछ नहीं मिला था, उसी तरह मनेका जी के केस में भी मनेका जी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इस देश की जनता ये मुकदमा जीत गई थी। और इस देश के मुकदमे, इस देश को जनता ने जब यह मुकदमा जीता 1978 के मनेका गांधी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो ह्यूमन राइट चैंपियन की तरह सामने आए। उन्होंने प्रिजनर्स राइट की बात की, उन्होंने फ्रेश एयर को भी आर्टिकल 21 में शामिल किया, उन्होंने हैंड कफिंग को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कराया और धीरे धीरे इसका डायमेंशन इतना बढ़ाया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकस स्टैंडाई, आप किस अधिकार से कोर्ट में आए हैं, इस बेस को ही डिमोलिश करने की कोशिश की गई, उसको हटाया गया कि अगर ग्रुप की बात भी की जा रही है तो कोई एक कॉमन आदमी भी आके खड़ा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। और मेनका गांधी जजमेंट का जो पोस्ट मनेका इफेक्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट 1978 के बाद इतने व्यापक पैमाने पर अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए जस्ट फेयर और रीजनेबल के नाम पर आ गई, जो उन्होंने कहा कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। और जैसे ही आप जस्ट फेयर और रीजनेबल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस ड्यू प्रोसेस को 28 साल पहले बीएन राव सर ने रोक दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में लाने से, उसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले रास्ते से एंट्री कराई जस्ट फेयर और रीजनेबिलिटी के नाम पर मनेका गांधी के केस में। उम्मीद करता हूं कि मेनका गांधी के एनालिसिस करने में अपनी ओर से मेरा जो प्रयास रहा उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लॉ की दुनिया से जुड़े हुए लोगों से खुलकर रेफर कीजिए। वीकेंड लेक्चर सीरीज में अगले हफ्ते आपके सामने एक केस के जरिए पैनल, जो हमारा लॉ है इंडियन पैनल कोड, उसके सबसे टफ टॉपिक की ओर, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन,
रहता है जो भी कंपटीशन की दुनिया में उतरते हैं या जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, और वो टॉपिक है आर वर्सेस गोविंदा। और आर वर्सेस गोविंदा को डील करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है, और आर वर्सेस गोविंदा में जस्टिस मेलविल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।